आज शुरू किया है ब्लॉग लक्ष ने, क्योंकि लक्ष घर पे ही है। रात को हम शादी में वहाँ पे गए थे, लगन सगाई के फंक्शन में, तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने लक्ष को भी स्कूल नहीं भेजा। इसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो ये घर पे है और आदू भी स्कूल गए हैं। और आपने कल का ब्लॉग तो हमारा देखा ही होगा, है ना? हाँ। और आज आने वाली है मेरी बुआ की बेटी और उसका बेटा, और वो दिद्दू आने वाला है। आपने पार्टी में भी देखा होगा। हाँ, वो आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा उसका। हम उसके साथ खेल रहे थे। हाँ, तो ये बहुत खुश हो रहा है कि रिद्दू आने वाला है। तो अभी हम कर रहे हैं वेट, वो आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे लंच, फिर मिलते हैं आपको लंच करने के बाद। हाँ, अभी हम खाना वाना खा लेते हैं और फिर अभी बच्चे भी आने वाले स्कूल से और मेरी बुआ की बेटी भी आने वाली है ना, मासी। हाँ, वो भी आने वाली है, तो फिर तब मिलवाते हैं आपसे। नमस्ते। और ये आ गया रिद्दू, हम कब से वेट कर रहे हैं। अरे क्या हुई, लाओ मैं उतार देती हूँ, लाओ। ये देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, रिद्दू आया है ना इसके साथ। देखो पूरे पे फैला दिया बच्चों ने। रिद्दू रिद्दू इधर देखो बेटा, इधर आओ रिद्दू, इधर देखना, इधर मम्मा पास। रिद्दू इधर देखो, हाय बोलो, हाय हाय करो, हाय। ये क्या है, मुझे देना? नहीं, क्यों बाबू? बाबू हाँ बाबी, अब भी दे दे। ये देखो बच्चों की मस्ती, इतना खुश हो रहा है ये भी यहाँ पे आके बच्चों के साथ। और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं रिद्दू के साथ। देखो आपको आवाज आ रही होगी, इतना शोर बचा रखा है बच्चों ने। और पायल ने भी अभी चेंज किया, वो परेशान हो गई। वो कह रही है कि तू है ना अकेले अकेले कैसे ब्लॉग बना रही है। अब मैं इसको सिखाऊंगी कि कैसे ब्लॉग बना रही हूँ मैं। अब देख लो एक हीना पायल कितना खाती है, देख लो कितना खा रही है। आइए बैठ गई, हम नाश्ता पानी तो कर ले। गाइस हम खेल रहे हैं उसके साथ, सब खाओ। रिद्दू अरे क्या खा रहे हो आप? ये रहा रिद्दू। अब करो बात, सागर की शादी की क्या बात बता रही थी? हल्दी का फंक्शन। पायल को ना शर्म आ रही है, कह रही इसे वीडियो बंद कर दे फिर बात करूंगी। मैं डिलीट कर उसको। आपकी क्या है, मैं केस कर दूंगा। नहीं झूठ बोल रही है, झूठ। अभी कहां मेरी शादी हो रखती है? अब बैठ जाए। रिद्दू कैसे होगी, कैसे पता चलता है?
ये देखो अब हम आगे छत पे और बच्चे खेल रहे हैं। रिद्दू देखो कितना खुश हो रहा है और वो दोनों वो घूम रही। रिद्दू हाँ अंदर रख दो बेटा। रिद्दू बाय। रिद्दू बाय बाय इधर बाय। बड़ा नॉटी है ये दोनों बहनें लगी हुई चुगलियां करने। किस किस की चुगली कर रही है? रिद्दू लक्ष्य लक्ष्य ये क्या कर रहे हो? हाँ आप ये जा रही है, हम बोल रहे इससे रुक जा कल चले जाइए। वैसे ही बोली थी मैं तुम्हारे यहाँ 2 दिन के लिए आऊंगी और आप अभी जा रही है। क्यों जा रही है? मेरा मन इसका मन तो लग रहा है लेकिन भाभी घर पे अकेली है, बुआ है नहीं इसलिए जा रही है। नहीं नहीं मैं कल पक्का वापसी आऊंगी। कल आएगी दोबारा व्लॉग बनाएंगे। हाँ ला तो ला मेरी भेंट तो दे दे, मैं तेरे से छोटी। ये ले एक ले दो ले तीन ले चार ले पांच ले और दो बताओ। हाँ और दे पर्स ही ले ले। मैं पूरा पर्स ले ले। जीजू ने ना इसे बहुत पैसे दे के भेजा है कि तू जाएगी ना कि मैंने घर तो हाँ अच्छे से पैसे खर्च करके आई हो, पैसे दे के आई हो इसलिए चलो ओके बाय नेक्स्ट बाय। अब हम इसको छोड़ के आ जाए फिर थोड़ी देर बाद बात कर। ओके बाय बाय। अब देख हम जा रहे हैं रितु को छोड़ने। रितु आ रही है? नहीं रितु नहीं आ रही है। भाई कहाँ पे है? चले घर नहीं है। अरे अब रितु आ रही है नहीं और हम जा रहे पायल को छोड़ने। बाय बाय रितु बाय करो बाय बाय पायल बाय। और अभी हमने पायल को भी छोड़ दिया, उसको छोड़ने के लिए आ गए थे हम। वो बोली थी कि चल फिर मैं भी क्या करूँगी रास्ते में बोर हो जाऊंगी इसलिए, तो उसको छोड़ के अभी हम जा रहे हैं घर। अभी तो बच्चे रोएंगे कि रितु चला गया, उनको पता नहीं है कि पायल अभी जाने वाली है। उनसे बोल दिया था कि वो कल जाएगी क्योंकि वो बोल रही थी पहले कि रुक जाऊंगी लेकिन बुआ का फोन आ रहा है कि घर पे कोई नहीं है तो इसलिए वो चली गई। और हमारे थे पायल को छोड़ने के बाद घर। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, कल बारिश हुई है उसके बाद बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है हमारे इधर तो। और हम पायल को छोड़ के घर आ गए और आने के बाद सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, इन्हें लगा दी थी मैंने लगाया पोछा क्योंकि बच्चों ने कहीं पे चिप्स कहीं पे कोल्ड ड्रिंक सब गिरा दी थी इसलिए। तो मैंने सोचा अभी बच्चे आने वाले ट्यूशन से उससे पहले ना पोछा लगा देती हूँ सारे में क्योंकि फिर बच्चे खेलते हैं इसलिए। बच्चे तो ऐसे ही कभी बैठ बैठेंगे कभी नीचे खेलेंगे तो मैंने सोचा बच्चों के आने से पहले ही मैं पोछा लगा देती हूँ फिर बच्चे आएंगे। अभी तो रोएंगे बोलेंगे रिद्धू क्यों गया, हिना लेने गई है वैसे तो बच्चों को ट्यूशन से, आने ही वाले हैं। अब पूछेंगे दोबारा से मम्मा वो कब आएगा रिद्धू, क्योंकि बच्चे ना बच्चों में ही खुश रहते हैं तो बच्चे भी उसके साथ बहुत खुश हो गए रिद्धू के साथ। और उसका भी बहुत मन लग गया रिद्धू का भी, वो भी मना कर रहा था जाने के लिए, मम्मा नहीं भाई भाई के पास ही रहना है। इसलिए अभी बच्चे आएंगे तो उनसे मिलवाऊंगी। और मुझे सांस भी चढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी से काम किया है कि फटाफट पोछा लगा देती हूँ क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे बच्चे करने नहीं देते इसलिए। और अभी मैं दोपहर को हिना का सूट सिल रही थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। और अभी मुझे प्रेस के मेरे ना बहुत सारे कपड़े पड़े हुए, कल ही हिना ने की थी थोड़े से कपड़ों पे लेकिन थोड़े से और पड़े हुए। वो है ना कोई शादी वगैरह हो तो फिर ये काम तो रह ही जाते हैं, प्रेस वगैरह तो हो ही नहीं पाती। और हिना को रात को गीतों में भी जाना है, मतलब जो हमारी जिठानी है उनकी बेटी की शादी है वहाँ पे। मैं घर पे रहूँगी बच्चों के पास क्योंकि फिर बच्चे भी रात को अकेले रह जाते हैं इसलिए, भी नहीं जाएगी मैं बच्चों के पास रहूँगी। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। और बच्चे ये रहे, हिना गई है गीतों में, लक्ष्य और आधुरी नहीं बीवी और आधुरी है लक्ष्य ये रहा। अभी हिना आई नहीं है शायद थोड़ी देर बाद में आ जाएगी। और ये तीनों देख रहे टीवी और आदू ना रोने लगा तो फिर मैंने इसको फोन दे दिया। सो करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड।
आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हमने बहुत इंजॉय किया, मेरी बुआ की बेटी आई थी, काफी टाइम बाद ऐसे मिले हैं क्योंकि शादी वगैरह में मिलते हैं तो फिर ऐसे बात भी नहीं हो पाती, इसलिए तो अब इतने टाइम बाद ऐसे मिले। लक्ष्य की ड्राइंग अच्छी है गाइस, ये ना इसमें ना ये गलती से शेडिंग है, ये शेडिंग है तो इसमें ना होम में बहुत सारी कमी है, तो मैं ना होम ना अभी ब्रेस करके ना अब मम्मा इस पे ना वो लगाएगी फोटो अपने इंस्टा पे इसकी, तो इसमें ना मैं अच्छा सा घर बना लूँ और मेरी इंस्टा पे इसकी फोटो जरूर देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो और फॉलो भी कर दो जरा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप ये वाला ब्लॉग देखें, बाय।